नमस्कार, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़। आज का विषय हमारा आधुनिक काव्य से लिया गया है। आज हम आधुनिक काव्य के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता को पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास का कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है और हिंदी खड़ी बोली का लगभग प्रथम ग्रंथ इसे मान सकते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी कालीन कवि माने जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जिले के निजामाबाद में हुआ। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जैसे कि हमने बताया था, और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। हरिओद जी ने अपने काव्य में विविध शैलियों का प्रयोग किया है, ग्रहण किए हैं उनको। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था तथा उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। वैसे उनके जो पूर्वज थे वे सनाड़े ब्राह्मण थे और उनका मुगल दरबार में बड़ा सम्मान था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रारंभिक जो शिक्षा है निजामाबाद और आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू किया। हरिओद जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करके काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज बीच में ही छोड़ देना पड़ा था और वो वापस लौट करके घर आ गए तथा घर में ही रहकर इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए।
इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की तथा इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की सरकारी नौकरी लगी, वे कानूनगो बन गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक से के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य करवाया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद वे निजामाबाद चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओद जी अपने गांव में रहकर साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओद जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया। ऐसी चर्चा हम प्रारंभ में कर चुके हैं। विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया एवं सन 1945 में निजामाबाद में जो इनका पैतृक गांव था वहां इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में ठेठ हिंदी का ठाट, अधकिला फूल ये उपन्यास थे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये आलोचनात्मक ग्रंथ था, किंतु मूल रूप से हरिओद जी कवि थे और इनके प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौबते, चोखे चौबते, ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास ये इनकी संपूर्ण रचनाएं हैं। हरिओद जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुण, वियोग, श्रृंगार, वात्सल की पूर्ण रूप से अभिव्यंजना हुई है। हरिओद जी के काव्य में छंद योजना भी विविधता लिए हुए है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन जो छंद थे, कवित्त, सवैया, छप्पे, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का भी प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्रवर्जा, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दुल, विक्रीडित, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। रीतिकालीन प्रभाव के कारण हरिओद जी अलंकार प्रिय रहे हैं, किंतु उनकी कविता कामनी अलंकारों से बोझिल नहीं है। उनकी कविता में जो भी अलंकार आए हैं वे सहज रूप से आए एवं रस की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। हरिओद जी ने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इन्होंने अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक का अधिक प्रयोग किया है। अब हम प्रिय प्रवास की बात करते हैं।
प्रिय प्रवास इनका प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्रिय प्रवास में इन्होंने किस किस विषय को रखा है। प्रिय प्रवास ग्रंथ में जो हमारे पाठ्यपुस्तिका में आए अंश हैं, जिनका हमको अध्ययन करना है, वो कुछ इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम इन्होंने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो गोकुल के ब्रज के गोप गोपिकाओं की दशा हुई उसका चित्रण किया है। गोप एवं गोपिकाओं की मनोदिशा का जितना सुंदर चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। दूसरा हमारे पुस्तक में जो आया है वो है यशोदा। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा की जो हालत हुई उसकी दयनीयता का चित्रण किया गया है। तीसरा जो चित्रण किया गया वो राधा का है और राधा भी सूरदास की राधा की तरह ही विरह से पीड़ित हैं, परंतु एक अंतर लिए हुए हैं। सूरदास की जो राधा है वो प्रेम में है और वियोग से पीड़ित है, लेकिन हरिओद जी की जो राधा है वह समाज सेविका है और अपने दुख और पीड़ा में सभी का ख्याल रखने वाली है। इन तीन अंशों का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारा अध्ययन है वो मदाक्रांता छंद का है और कवि कहते हैं कि धीरे धीरे दिन गत हुआ अर्थात समाप्त हो गया, दिन बीत गया। जो गोप गोपिकाएं हैं वो रोज ही श्री कृष्ण के आगमन का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे दिन बीत गया है। पद्मनी नाथ डूबे, सूर्य भी डूब गया, पर कृष्ण का कहीं पता नहीं। कृष्ण लौट के नहीं आए। कृष्ण के नहीं आने से गोप और गोपिकाएं व्याकुल हैं, व्यथित हैं। दोसा आई अर्थात रात्रि आ गई, गत हुई वो भी बीत गई, दूसरा वार आया, दूसरा दिन आ गया, पर कृष्ण लौट के नहीं आए। यूं ही बीती विपुल घड़िया, सैकड़ों घड़ी बीत गई, ऐसे ही समय व्यतीत होता जा रहा था। और ऐसे ही कवि लिखते हैं कि कई वार बीते, मतलब कई दिन गुजर गए, लेकिन कृष्ण लौट के नहीं आए। आगे वो लिखते हैं कि कोई आया ना मधुपुर से, मतलब कोई उनके समाचार लेकर भी नहीं आया और ना ही गोपाल आए, ना ही श्री कृष्ण लौट के आए। इस दुख व्यथा से गोकुल के गोप और गोपिकाएं व्यथित हैं, दुखी हैं, जिनका चित्रण हरिओद जी कर रहे हैं। अगले पद में वो कहते हैं कि ज्यों ज्यों जाते दिवस, दिन बीतते ही जा रहे हैं,
चित्त का क्लेश वृद्धि था पाता, कि चित्त का मतलब गोप गोपियों का जो चित्त का क्लेश था वह बढ़ता ही चला जा रहा था। उत्कंठा थी, उत्सुकता थी, अधिक बढ़ती व्यग्रता थी सताती है ना, और व्याकुलता उनको सताती थी। उनको उत्सुकता हो रही थी कि श्री कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए, और व्याकुलता उनको सताती थी, बढ़ती ही जाती थी। उनके लौट के नहीं आने पर उनकी जो चिंता थी वो बढ़ती ही जाती थी। होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नताएं हैं, घोर क्लेश मन में उदय होते कि क्या कारण रहा होगा कि श्री कृष्ण लौट के नहीं आए। और वो कहते हैं कि देखे जाते सकल ब्रज के लोग, समस्त ब्रजवासी देखे जाते उद्भ्रांत से थे है ना, भ्रमित से नजर आते, उनको पता ही नहीं चल पाया कि कृष्ण लौट के क्यों नहीं आए। अब उनकी दशा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि वो खाते थे, पीते थे, गमन करते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, बैठते थे एक लोगों के एक दूसरे के पास में जाके बैठते थे, सोते थे, रात्रि में वो विश्राम भी करते थे, आते जाते, लेकिन क्या है कि आते और जाते वन उन्हीं में है ना, क्योंकि वो गोप गोपी गाय थे, गाय चराना उनका कार्य था, तो वो जंगल में जाते थे है ना। तो कवि कहते हैं वन अवनी में, यानी कि जंगल की भूमि में गोधनों को चराते। वो अपना कार्य तो कर रहे थे लेकिन वो मन से बड़े व्यथित थे, व्याकुल थे, उनको एक ही चिंता सताए जा रही थी कि श्री कृष्ण लौट के क्यों नहीं आए। देते थे, लेते थे सकल ब्रज की गोप गोपिकाओं के, जी में होता उदय यह था कि श्याम क्यों नहीं आए। उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि कृष्ण लौट करके क्यों नहीं आए। अब कृष्ण लौट के नहीं आए इसकी चिंता समस्त जो गोप गोपिकाएं थी उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। अगला पद हमारा कि ब्रजवासियों की जो दशा थी उसी का चित्रण करता है, और वो जब आपस में मिलते हैं तो कैसे चर्चा करते हैं। देखिए, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, ब्रजभूमि के अगर दो व्यक्ति भी अगर साथ में बैठ जाते थे तो आने की न मधुबन से बात ही चलाते, तो श्री कृष्ण मथुरा से लौट करके क्यों नहीं आए, इसी बात की उनके बीच में चर्चा होती थी। पूछा जाता प्रतिथल मिथ्य व्यग्रता से, यही था कि व्याकुलता के साथ यही पूछा जाता कि दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट करके क्यों नहीं आए। उनके नहीं लौटने की चिंता समस्त ब्रजवासियों को हो रही थी। आगे कवि कहते हैं कि आवासों में, घरों में, सुपरिसर में, जो सार्वजनिक परिसर थे उनमें, द्वार में जो अपने दरवाजों पे बैठे थे, बैठकों में जो घर के अंदर बैठक में बैठे थे, बाजारों में, बाजार में जो लोग थे, विपणी में जो व्यापारी थे व्यापार करते थे, सब में, समस्त ब्रज में, मंदिरों में, यहाँ तक मठों में आने की न ब्रज धन के बात फैली हुई थी कि श्री कृष्ण के लौट के नहीं आने की बात फैली हुई थी। और कहाँ कहाँ फैली हुई थी इसको जाने, कुंजों में ओ पथ ए पथ में, बागों में ओ वनों में, कि कुंज थे उनमें भी यही चर्चा चलती कि कुंजों में बैठे गोप गोपिकाएं यही चर्चा करते कृष्ण लौट के क्यों नहीं आए, पथ में रास्ते में आते जाते गोप गोपिकाएं यही चर्चा करते कि श्री कृष्ण लौट के क्यों नहीं आए, बागों में, बाग में जो बैठे रहते गोप गोपिकाएं वो भी यही बात करते, और वनों में, वन के अंदर जो रहते वो भी यही बात करते कि श्री कृष्ण लौट के क्यों नहीं आए। इन पदों में हमने श्री कृष्ण के नहीं लौटने की जो व्यथा कथा देखी वो हरिओद जी ने वाकई बहुत कुशलता के साथ व्यक्त
की है और उनकी पीड़ा से हम परिचित हुए हैं। आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।